बाथरूम क्लास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमने डिस्कस की थी कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल का कोई इम्पैक्ट नहीं आता, उसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं बाय डेटा के ज़रिए कि हमें डेटा दिया गया है एक्स और वाई का और हमें ये प्रूव करना है कि ओरिजिनल एक्स और वाई और जो ओरिजिन चेंज होने और स्केल होने के बाद हमारे पास आता है यू वी, उसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट सेम आता है या नहीं। तो पहले हमारे पास डेटा ओरिजिनली जो प्रेजेंट था वो क्या था, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई की कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है एक्स और वाई का कॉलम, यानी कि एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना होता है वाई के साथ। तो हमने जब जीरो को 12 से मल्टीप्लाई करवाया तो जीरो से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो ज़ीरो हो जाती है। 4 को 16 से मल्टीप्लाई कराया 56 आया। सेम इसी तरीके से हमने इन तमाम वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आती गई। तो पहला कॉलम का समेशन हमारे पास आ रहा है 28, कॉलम वाई का समेशन हमारे पास आ गया 76, कॉलम एक्स वाई का समेशन आ गया हमारे पास 456। फॉर्मूला में हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है समेशन के तौर पर और समेशन के लिए वाई स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड होती है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करना, जीरो को स्क्वायर किया ज़ीरो आया, फोर का स्क्वायर किया 16 आया। इसी तरीके से हमने पूरे कॉलम को स्क्वायर करते गए और लास्ट में उसको समेशन कर लिया तो हमारे पास आ गया 216। सेम यही जो है रूल हम अप्लाई कर रहे होंगे वाई की वैल्यू पर। 12 को जब हमने स्क्वायर किया रिजल्टेंट आ गया 144, 14 का स्क्वायर किया 196। रिमेनिंग वैल्यूज़ का भी इस तरह हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद लास्ट में हम उसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास समेशन आ जाएगा 1176। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के लिए हमने ये फॉर्मूला अपना नोट डाउन किया कि कोरिलेशन एक्स एंड वाई एन इज नंबर ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास आ गया एन समेशन एक्स वाई समेशन एक्स एंड वाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है अंडर रूट, ये हमारा फॉर्मूला चल रहा है एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। चार्ट से हम अपनी तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। एन जो हमारे पास आया था वो 5 था, फिर हमें रिक्वायर्ड थी वैल्यू समेशन एक्स वाई की। एक्स वाई का कॉलम हमारे पास मौजूद है और उसका समेशन जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 456। तो हमने 5 के साथ 456 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा। फॉर्मूला में नेक्स्ट हमें रिक्वायर्ड है समेशन एक्स, समेशन एक्स का कॉलम हमारे पास है 28, वो हमने पुट किया। फिर हमें चाहिए समेशन वाई 76, तो हमने 76 को इसकी जगह पे पुट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है, समेशन एक्स स्क्वायर इज 216 जो हमने पुट किया डेटा में। समेशन एक्स इज 28 इन फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, अगेन हमें 5 यानी कि एन समेशन वाई स्क्वायर और समेशन वाई की होल स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू 76 आ गई। कैलकुलेशन के लिए पहले हम 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 456 से, रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 2280। फिर 28 को मल्टीप्लाई कराना है 76 से, रिजल्टेंट हमारे पास आया 2128। देन हमने मल्टीप्लाई करा 216 को 5 से तो हमारे पास वैल्यू आई 1080। उसके बाद 28 का होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 784। देन 5 मल्टीप्लाई विथ 1176, रिजल्टेंट इज 5880। 76 का होल स्क्वायर यानी 76 मल्टीप्लाई विथ 76, रिजल्टेंट इज 5776। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दिया, रिजल्टेंट 152। इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाया, रिजल्टेंट 296। देन इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाया 104। 296 का स्क्वायर लिया, अंडर रूट कर लिया 17.2, 104 का 10.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास नेक्स्ट ये वैल्यू आ गई और इन दोनों को जो हमने डिवाइड कराया तो फाइनली हमारे पास कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आया जो कि आ रहा है 0.87। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रूफ करना है कि हमने एक्स और वाई की नई वैल्यूज़ को लेना है। यू किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स माइनस सिक्स अपॉन टू पर। तो एक्स की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, ज़ीरो। तो एक्स की जगह पर मैंने इसकी ज़ीरो वैल्यू पुट की, माइनस सिक्स और टू जो कि मुझे कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन मैंने पुट की।
जीरो में से माइनस सिक्स को हमने माइनस करवाया तो माइनस सिक्स को डिवाइड करवाया टू से, तो फाइनली हमारे पास आ गया माइनस थ्री। इसी तरह हम इस पूरे कॉलम की वैल्यूज को रीचेंज कर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, y की वैल्यू को रिप्लेस करना है v से, और उसके लिए जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, y फ्रॉम ओरिजिनल डेटा माइनस 16 एंड 2 फ्रॉम द गिवन कंडीशन। इसको हमने पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 12, माइनस 16 और 2 कंडीशन का आया। 12 में से हमने 16 को सब्ट्रैक्ट करवाया, रिमेनिंग इज माइनस 4। माइनस 4 को जब मैं 2 से डिवाइड कराऊंगी तो रिजल्टेंट मेरे पास आ जाएगा माइनस 2। तो ये पूरा कॉलम y का जो है वो इन्हीं वैल्यूज़ के साथ साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट फिर हमें u v चाहिए, तो जो u और v की वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये कॉलम आएगा। देन फिर मुझे क्या चाहिए, u की वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट कॉलम मेरा u का है, माइनस 3 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, प्लस 9। इसी तरीके से माइनस 1 का स्क्वायर किया, रिजल्टेंट इज 1। माइनस की साइन स्किप हो जाती है स्क्वायर में, तो इस तरह से ये मेरे पास पूरी u स्क्वायर की कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी। सेम मुझे क्या चाहिए, v की वैल्यू का स्क्वायर, तो v का कॉलम मेरे पास मौजूद है, v की वैल्यू का स्क्वायर, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराया माइनस 2 से, तो रिजल्टेंट आ गया 4। इसी तरीके से मैंने इस तमाम कॉलम को मल्टीप्लाई स्क्वायर करवाया और फिर इसका समेशन ले लिया, तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास समेशन के तौर पर आ रही हैं। कोरिलेशन का फॉर्मूला जो बेस कर रहा था एक्स और वाई पर, अब ओरिजिन और स्केल चेंज होने की वजह से वो किस पे बेस कर रहा है, यू और वी पर। तो एन इंटू समेशन यू वी, समेशन यू समेशन वी, इन वैल्यूज को हमने डेटा से पुट किया तो हमारे पास आ गया 518, माइनस 1, माइनस 2, माइनस की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होती है प्लस, फाइनली माइनस, तो ये हमारे पास माइनस रह गया। एन इज 5 फ्रॉम द डेटा, समेशन यू स्क्वायर इज 15 जो हमने पुट किया, यू की वैल्यू का होल स्क्वायर, यू का स्क्वायर जो हमारे पास आया था माइनस 1, माइनस 1 को हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में पुट किया, देन एन और फिर वी का स्क्वायर और v की वैल्यू का होल स्क्वायर, इसको हमने डेटा से पुट कर लिया कि v का जो स्क्वायर था वो हमारे पास क्या आ रहा था, 6, जो हमने यहाँ पुट किया। फिर हमें v का चाहिए था तो माइनस 2, ये हमारे पास माइनस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, रिजल्टेड इज 40। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 1 2, 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 75, माइनस 1 का स्क्वायर किया 1, 5 6 30, माइनस 2 को स्क्वायर किया 4, इन दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करवाया, देन इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करवाया, फिर इन वैल्यूज का अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज आई उनको मल्टीप्लाई करवाया, फाइनली इन दोनों वैल्यूज को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर वही आ गया। हमें प्रूफ करना था कि ओरिजिन या स्केल के चेंज से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे इंपैक्ट आता है या नहीं, तो जो प्रॉपर्टी हमें बताई गई थी वो प्रूफ हो गई कि अगर हम किसी भी किस्म का चेंज लाते हैं वैल्यूज़ के अंदर, यानी कि ओरिजिन या स्केल का चेंज लाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो अनइफेक्टेड रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, और यही हमने प्रूफ भी कर लिया है। प्रूफ हमें करना था कि एक्स कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई और कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी इज अनअफेक्टेड, तो ये हमारा प्रूफ हो गया लेक्चर नंबर 8 में कि हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि अगर हम स्केल या फिर ओरिजिन का चेंज लेकर आएँ अपनी ओरिजिनल डेटा में और उसके बाद हम नया कोरिलेशन कैलकुलेट करें तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो वाकई इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, हमने अपने अपने कैलकुलेशन से प्रूफ कर लिया है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 8 वाइंड अप होता है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।